हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज 2-3 दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो बीच में एडिटिंग भी नहीं हुई, पोस्टिंग भी नहीं हुई, कोई व्लॉग ही नहीं शूट हुआ। जो क्लिप्स बची हुई थी वो भी मैंने ऐसे ही डिलीट कर दी, क्योंकि एडिटिंग का मन नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसी वजह से। बस सोचा आज स्टार्ट किया जाए। अभी मेरे हैदराबाद जाने के भी 3-4 दिन ही बचे हैं, 19th की मेरी फ़्लाइट है। उससे पहले सोचा 2-3 दिन हैं, तो बीच में जो भी शूट होगा मैं उसके ब्लॉग्स बना के डाल दूँगी, और बाकी वहाँ जाके नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रणव की शादी की डेट्स आई हैं वो अप्रैल में आई हैं, तो जल्दी ही शादी का हिसाब सेट होने वाला है। और मैं जाऊँगी 19th को हैदराबाद, अभी जाऊँगी, फिर आके जैसे भी जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा, या जैसे भी हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही आएंगे, तो आके सब चीज़ें मैनेज भी करनी है। तो लेट्स सी कैसा रहेगा। और आज का शाम का शायद हमारा प्रोग्राम बनेगा बुआ के पास जाने का। मेरी एक बुआ यहीं पे पास में ही है, मतलब सहारनपुर में लोकली 2 बुआ हैं, बट जो पास वाली हैं मार्च उनके पास चले जाएंगे। एकदम 2 महीने इस बार मैं रही हूँ यहाँ पे, पर 2 महीने इतने ज़्यादा हेक्टिक थे ना तो कहीं जा पाए और ना ही कहीं किसी का आना हुआ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम हो रहा था ना। तो बस वही है, अभी देखते हैं कैसे होता है, शाम का प्रोग्राम बनता है कि नहीं, तो लेट्स सी। और जाएंगे तो आज आपको व्लॉग में आगे पता ही चल जाएगा, मैंने शूट कर लिया है। एज सच जो भी होगा प्रोग्राम मैं आपको बता दूंगी, वो आपको व्लॉग में आगे दिख जाएगा, इनकेस हम बुआ के यहाँ गए तो। तो अभी तक का यही अपडेट था। और 19th को जा रही हूँ मैं हैदराबाद। और यार सच में ना, अगर आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड इतना ज़्यादा सपोर्ट करें ना तो बहुत अच्छा होता है। तो टच वुड मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तो 2 महीने में आ रही हूँ सारी चीज़ों में, मतलब मैं लड़की तभी सपोर्ट कर सकती है जब आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड इतना प्यार करने वाले हो और इतना साथ देने वाले हो, सपोर्ट करने वाले हो। तो मम्मी पापा जी को और मेरे हस्बैंड को दिल से थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको पीछे से इतना सपोर्ट हो कि आप खुल के अपने घर का, अपने मायके का इतना साथ दे पाएँ, तो बहुत अच्छा लगता है यार। बाकी देखते हैं आगे दिन भर क्या ब्लॉग बनेगा, ठीक है ना? तो सी यू लेटर। मैं पहुंच गई हूँ बुआ के घर, और बुआ ने एज यूजुअल बहुत सारे व्यंजन बना रखे हैं हमारे लिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती हैं बुआ। और जो बच्चा यहाँ पे नहीं, अपने मुंह को तो दिखा दो। अभी मैं बुआ से मिलवाऊंगी, रुक तो जा। तो जो बच्चे यहाँ नहीं होते ना, वो लोग जेलस फील करते हैं उनसे जो यहाँ बुआ के हाथ से खाना खाने आ जाते हैं। तो यही होता है, अभी मैं आपको बुआ से मिलवाती हूँ। ये मेरी बुआ हैं और बहुत अच्छी शेफ भी हैं। और नहीं, ये बात तो जो जो वीडियो देख रहा है हमारे घर वाले सबको पता है। बहुत अच्छी शेफ है ये तो मास्टर शेफ। नहीं, मुझे तो लगता है कि इनको ना उसमें होटल में जाना पड़ेगा। क्या बात है। इसने खाया नहीं है, होटल में जाना पड़ेगा। खाया है तुमने? इसने केक खाया था यहाँ पे। हाँ, बस केक खाया। केक कैसा बना था बताओ? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बनाया बुआ बताओ? 100 में से 100 नाम तो तुम्हें ही देना पड़ेगा, मैं तो अपने मन से बनाया। क्या क्या चीजें, किस तरह बनाई होता हूँ आप, रेसिपी बताओ तुम। आलू के गोल गोल पीस काट के, और उसमें चाट मसाला और थोड़ा मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काला नमक, थोड़ा हरी धनिया काट के, कद्दूकस करके, अदरक भी ले सकते हो, मैंने अजमेर डाला। अच्छा। और फिर उनको सब पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, देख के लिपटने चाहिए मतलब आलू, ठीक है? अच्छा। फिर एक लेयर नीचे बिछा दी उनकी। हाँ। फिर बीच में चीज। अच्छा। और एक में मैंने चटनी भी लगाई है, एक में नहीं लगाई। अच्छा अच्छा। चटनी बनाई थी जो बीच में चीज के साथ। अच्छा। फिर दूसरी लेयर लगा दी उसके ऊपर, बिल्कुल सटा के। अच्छा अच्छा। तब ये पराठे जैसे, पहले ऑयल डाला नीचे। अच्छा। और फिर धीमे धीमे आज पे एकदम क्रिस्पी हो गए दोनों साइड से, चेंज कर दिया दूसरी साइड भी। अच्छा। और एक बड़ी कांच का पलट दिया। ठीक है, बढ़िया। तो ये तो थी एक रेसिपी, बाकी अभी बहुत सारी आने वाली हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और प्रणव भी आ गया। और सामने फूफा जी बैठे हैं, ये रहा प्रणव। मैंने
शना ठीक रही ना क्या दिन में? हाँ, सिर में दर्द तो अभी भी है, वैसे ठंड ठंड सी लग रही थी ना, सिर पूरा आधा सिर दुख रहा है। टैबलेट ले लेना, तभी लगाऊंगी, खस्ता वैसी हो जाएंगी। गायब एक गायब हो गया मेरे भैया का और परेशान। आज फिर मैंने दूसरा भैया बनाया जल्दी से। एनर्जी जो होती है ना वो उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं दीदी जी अजी की, भैया भाभी और हृदय हिया दोनों की, और ये हृदय ऊपर दीदी जी अजी की पिक्चर आपने देख ली। और प्रणव की शादी में आपको सबसे मिलवाऊंगी। मटर है ये 5 किलो आज ले ली छिलनी, दाना फ्रीजर में डालती हूँ। अच्छा, ये वो हैदराबाद जैसे नहीं है क्या? हैं, ये मैं सब तो आपने उसमें कितने मार्क्स दिए बुआ को जो भी आपने खाया था पोटैटो वाला? पतली करूंगा और मैंने 100% और केक में भी 100%। और अभी चाट खा के देखना, खाओगे ले आऊं? शिवांश की चाट कैसा लगा? अबे कैसा लगा? 100% मार्क्स इसमें भी मिलते हैं। अच्छा, मजा आ गया शिवांश को है ना? चाट के टाइम तो मुझे विवेक याद है। नो टंकी लाओ मुझे दे, तो मैं देऊंगी। और जी ये रही हमारी करारी करारी मटर की पूरी जो कि मेरी और प्रणव की बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो वो ने यही बनाई है। घुसना कहाँ है वहाँ पे? हाँ जी खिलाऊंगी। करना, करना, करना।
काम पे जाना है मुझे। क्या काम पे जाना है? रात को कोई बुला रहा है मेरा फ्रेंड। तो जी हम बुआ के यहाँ से आ गए और काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट पहुँचे थे वहाँ पे। 9 o'clock के अराउंड पहुँचे थे, 6 बजे का सोच के 9 बजे पहुँचे और वापस आए 11:30 बजे। और अभी थोड़ा सा चेंज करके मैं अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ जो भी सामान सबसे अंदर वाले रूम में रखा हुआ है, मैंने अपना बैग और पैकिंग का सामान सारा जो भी मुझे रखना है, और फिर देखती हूँ वेट करके कितना वेट पड़ता है, किस बैग में क्या रखना है। और फ्लाइट में जाने का ना सबसे बड़ा सियापा यही है कि आपको पैकिंग के लिए बड़ी टेंशन सी हो जाती है। तो बस अभी 3-4 दिन है, उसमें ये सब काम धीरे धीरे होगा, इसीलिए मैंने एक जगह ला के सब चीज़ रख ली। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।